शिवपुरी जिले के कोलारस एवं मुंगावली क्षेत्र में उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं। कोलारस में 72% एवं मुंगावली में 77% मतदान का आंकड़ा बताया जा रहा है। इसमें 70 प्लस है। 70 प्लस क्या है? कोलारस विधानसभा और आप सबको बहुत बहुत बधाई, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुआ। इस उपचुनाव को बीजेपी एवं कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है। इस उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। मतदान अधिकांश शांतिपूर्ण हुआ है, ये बात सही है, लेकिन मतदान में जितना सत्ता का दुरुपयोग भाजपा को करना था उससे अधिक किया, और ये चुनाव भाजपा पार्टी से नहीं था, ये चुनाव सरकार से था। और सरकार की देखरेख में जिस तरह भाजपा ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, निर्वाचन आयोग के आदेशों को ठेंगा दिखाया, स्पष्ट प्रमाण होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस उपचुनाव में कोलारस निर्वाचन क्षेत्र से 2,44,457 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें से 1,30,000 पुरुष, 13,753 महिलाएं और 7 थर्ड जेंडर थे। वहीं मुंगावली क्षेत्र में 1,91,009 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। दोनों क्षेत्रों में सभी 575 मतदान केंद्रों के लिए 3,000 से अधिक मतदान कर्मी तैनात किए गए थे। मुंगावली में 13 और कोलारस में 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना था। शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे ने बताया कि कोलारस उपचुनाव को लेकर प्रत्येक मतदान केंद्र पर सशस्त्र बलों को तैनात किया गया था। इसके लिए अर्धसैनिक बल सहित मध्य प्रदेश पुलिस की 10 कंपनियां चुनाव ड्यूटी में लगाई गई थी। आप लोग लगातार खुद ही आप लोग पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, मैं भी सुबह से आप लोगों को देख रहा हूँ। यहाँ कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने लगातार सतर्क निगाह रखी पूरे मतदान केंद्रों पर, पूरे विधानसभा पे। जहाँ से भी छोटी मोटी शिकायतें हैं वहाँ लगातार हम लोगों ने पुलिस मोबाइल की है, और इतनी अच्छी व्यवस्था थी जैसे कि आपने देखा, हमने 4 कॉर्डन में व्यवस्था लगाई थी। संपूर्ण तरीके से मतदान केंद्र मतदान जो है समाप्त हो चुका है। कोलारस में 53 पुलिस मोबाइल टीमें अलग से तैनात की गई थी। अब देखना होगा कि जनता किसे अपने वादे पूरे करने का अवसर देती है। कोलारस से साकिर खान की रिपोर्ट, आप देख रहे थे न्यूज़ व्यू 360.com, खबरें अलग अंदाज।